Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. आप मेरे चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान देख रहे होंगे और इस मुस्कान की जो वजह है मेरे पीछे जो ट्रैक एंड फील्ड के जो एथलीट्स हैं वो वजह है उनका मेडल जीतना कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बड़ी वजह है। और मेरे साथ सारे ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स मौजूद हैं, उनके साथ AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आदिल सुमरीवाला भी मौजूद हैं। तो अब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। शुरुआत मैं सोच रही हूँ कहाँ से करूँ, इतने ज्यादा सितारे मेरे साथ हैं। सर आपसे पहले बात करेंगे, कितने ज्यादा खुश हैं कि ट्रैक एंड फील्ड ने इस बार सारी उम्मीदों को जो है पीछे छोड़कर जो है इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है? तो इसकी प्लानिंग बहुत पहले हुई थी और हमारा यही था कि ज्यादा इवेंट में हमको मेडल मिले। जो पहले का रिकॉर्ड था सिर्फ 3 मेडल का रिकॉर्ड था, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, वो मैक्सिमम रिकॉर्ड था। और आप देखें तो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स तक सिर्फ 8 मेडल पूरी हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम में हम जीते थे। आज की डेट में हमारे जो पूरे एथलीट्स हैं इन लोगों ने 8 मेडल जीता है। तो इन लोग ने बड़ी मेहनत की है और दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। सर के साथ है संदीप और संदीप ने रेस वॉकिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संदीप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से मेडल के बाद जो है जश्न मनाया उन्होंने केक और मिठाई के साथ। जश्न मना, मिठाई खा पाए या अभी तक खा ही रहे हैं? जी मैम, मेरा जो इवेंट था रेस वॉक वो लास्ट डे था, तो मुझे डेली ट्रेनिंग 15-20 किलोमीटर डेली ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो सभी का जो इवेंट हो रहा था तो गेम्स विलेज में घूम रहे थे, तो मैं ट्रेनिंग सुबह शाम करके आके और मेरे रूम में रेस्ट कर रहा था, तो मैंने गेम्स विलेज को देखा नहीं क्योंकि मेरी थकान हो जाएगी कंपटीशन से पहले। जो ही मेरा इवेंट फिनिश हुआ मैं गेम्स विलेज में 13-14 घंटे कंटिन्यू घूमता रहा, केक और मिठाई सब खाता रहा अपने मेडल को लेके। और फिर सुबह फ्लाइट था अपने बैग को लेके और फ्लाइट में बैठ के आए और फ्लाइट में भी अच्छा लगा। अभी तो बहुत खुशी से ये बातें बता रहे हैं लेकिन लॉकडाउन का जो समय था संदीप के लिए आसान नहीं था। वो अपने गांव में फार्मिंग करते नजर आए थे और मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा उनके कोच ने उनको मोटिवेट किया था। वो एक किस्सा बताइए इसके पहले कि मैं अविनाश और श्री शंकर से और तेजस्वी सबसे बात करूँ। हाँ, कोविड के समय में सिचुएशन थोड़ा सा खराब था, तो उसमें अपने आप को कोविड से बचाते हुए रूल का पालन करते हुए मेरा फादर फार्मर है एक खेत में, तो थोड़ा सा खेत में जगह को खाली रखा। तो मेरे फादर ने बोला कि चलो अनाज इस बार बिजाई थोड़ा कम हो जाएगा, आपके लिए खेत को थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं। तो ट्रैक्टर से मेरे भाई ने उसको जुताई किया और मैंने 3-4 महीने उसमें सैंड में अच्छा ट्रेनिंग किया। जो ही कोविड कम हुआ और हमारा जो नेशनल हुआ रांची में, उसमें मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और मेरी अपनी कंटिन्यू ट्रेनिंग को जारी रखा और मैं आगे बढ़ता गया और मैंने देश के लिए अभी रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये संदीप थे मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं अविनाश और तेजस्विन, दोनों से हम लगातार पूरी टीम से हम बात करेंगे। तेजस्विन मुझे बता रहे थे जिस दिन उनको मेडल मिला पूरी रात जो है मेडल के साथ वो जो है सोए थे, इज दिस ट्रू? या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। वो एक इनसेपरेबल फीलिंग होती है जिसके लिए आप काफी साल मेहनत करते हैं, जो आप बहुत मतलब चाहते हैं कि वो चीज होए और जब वो हो जाती है और आपको एक सपने के जैसे लगता है तो आप उस सपने को जल्दी तोड़ना नहीं चाहते। तो मेरे लिए एक सपने के जैसे ही था कॉमनवेल्थ गेम्स में आना और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, तो मैं उस सपने को तोड़ना नहीं चाहता था अपनी तरफ से। तो मैंने उस मेडल को जितनी देर में अपने साथ उसको रख सकता था मैंने रखा और इसी वजह से मैं रात को मेरी आंख भी लग गई तो मैं मेडल पहन के ही सो गया। ये तो मुझे दिखा दीजिए ये मेडल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस मेडल को हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए दिखा दीजिए और मुझे बताइए कि ये कितना स्पेशल है आपके लिए मेडल, ये कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और जब भी कोई मुझे बोलता है कि आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही बोलता हूँ कि ये मेरे लिए ब्रॉन्ज नहीं बल्कि रोज गोल्ड के मायने रखता है। सो इट्स एक्सट्रीमली स्पेशल फॉर मी एंड आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू कम हियर एंड रिप्रेजेंट द कंट्री एंड विन अ मेडल फॉर द कंट्री। नीरज आपके काफी अच्छे दोस्त है, मिस किया था उनको इस इवेंट में? नहीं बिल्कुल, वो तो अब हम सबके दोस्त हैं बट एट द सेम टाइम वो हम सबके एक प्रेरणा भी है हम सबके लिए। तो मिस तो उन्हें सिर्फ मैंने नहीं बल्कि पूरे कंटिजेंट ने किया था क्योंकि सब उनको एज अ ओलंपिक एथलीट जानते हैं, बट जो कंटिजेंट में और जो हमारे टीममेट्स हैं हम उनको एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह भी जानते हैं, जो सबका प्रोत्साहन करते हैं, सबका मन बनाए रखते हैं और सबको मोटिवेट करके रखते हैं। तो ऐसे एक एनर्जी को तो सब लोग मिस करते ही हैं, तो हमने काफी उनको मिस किया पर
मुझे शायद ऐसा लगता है कि हमने उनकी कमी इतनी ज़्यादा महसूस होने नहीं दी, क्योंकि एथलेटिक्स में हमारे गोल्ड मेडल भी आया तो अच्छा लगा जी। बिल्कुल, नीरज की कमी महसूस होने नहीं दी और अविनाश ने जो कमाल कर दिखाया है 3000 मीटर स्टीपल चेज में, वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। कीनिया के एथलीट्स को उन्होंने जो टक्कर दी और सिल्वर मेडल के साथ वापस आए, कहां से सोचा था कि कीनिया जिनका दबदबा बना रहता है ट्रैक एंड फील्ड पर, उनको मात देंगे आप? नहीं देखो, पिछले मतलब 4 महीने से जो प्लानिंग थी, मतलब फेडरेशन ने मुझे यूएसए ट्रेनिंग के लिए भेजा था, तो उसमें टॉप्स ने साई ने मतलब बहुत हेल्प किया था, तो मतलब मेन मेडल जीतने का वही से मतलब जो फेडरेशन की प्लानिंग थी कि मुझे बाहर भेजना है, जो कीनियन एथलीट है या यूएसए के एथलीट है उनके साथ ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे उनके साथ ट्रेनिंग करके फिर मैंने कुछ कॉम्पिटिशन भी किए थे उनके साथ, तो मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इनको हम नहीं हरा सकते, तो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सोच के गया था कि नहीं मेडल जीतना है। चलो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन ये था कि नहीं अभी 20 दिन बाद कॉमनवेल्थ है और हमें मतलब प्रूव करना है कि जो हम नहीं कर पाए वो कॉमनवेल्थ में करना है, तो यही सोच के गया था कि नहीं कुछ भी हो मतलब पोडियम पे खड़ा होना है और उसके लिए चाहे एक भी केनियन हो उसको हराना पड़ेगा। तो ये तो अविनाश से, अविनाश से मैं एक दो सवाल और करूंगी। यहाँ पे जो है बहुत देर से जो है शांति से खड़े हुए हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट एल्डोस पॉल, अबू बकर और श्री शंकर। श्री शंकर से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि ये डायमंड लीग के लिए चले गए थे। श्री कितना अहम रहेगा ये सिल्वर मेडल आपके लिए? ये सिल्वर मेडल मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है क्योंकि ये मेरा सबसे पहला ग्लोबल मेडल है और सबसे पहले जो चीज़ हमको मिलता है जो हम सेलिब्रेटी करते हैं, और बहुत खुश हूँ कि इस एथलेटिक कंडीशन में मैं शामिल हूँ क्योंकि हमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बना दिया है बर्मिंगहम में। ये हमारे एथलेटिक्स का सबसे अच्छा मेडल टाली है अब्रॉड और सभी एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इसके लिए मैं हमारे फेडरेशन को, साई को और टॉप्स को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमको सभी अच्छी फैसिलिटीज दिया है और हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत 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 कोशिश की है सभी। और हम इस परफॉर्मेंस में मतलब एक बहुत बढ़िया बड़ा टीम वर्क है और बहुत बड़े विजन से जो हमारे फेडरेशन ने हमारे ऊपर काम किया है, क्योंकि एथलेटिक्स में मेडल लाना दूसरे गेम्स में कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एथलेटिक्स एक ग्लोबल स्पोर्ट है, विच इज लाइक एथलेटिक्स इज नोन एज अ क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट। तो हमको पता है कि एथलेटिक्स में मेडल लाना, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक हो, कितने मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करना होगा, टैलेंट अच्छी तरह से मैनेज करना होगा, और बहुत खुश हूँ कि हम जो मेडल जीते हैं अपने टीम ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सपोर्ट किया है और ये टीम वर्क की कामयाबी ही मैं बोलूंगा। श्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर मैं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट कराइएगा कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो एक सर्जरी हुई थी उसमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हुई थी, यू वर अबाउट टू ऑलमोस्ट लूज योर लाइफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस किस्से के बारे में बताइए कैसे आपने अपनी लाइफ से जूझते हुए वहां से लेकर इस मेडल की जर्नी किस तरह रही है आपकी? 2018 में बहुत मेरे लाइफ में बहुत सेटबैक हुआ था क्योंकि मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हो गया था, पर डिपार्चर के एक हफ्ते पहले मुझे सीरियस अपेंडिसाइटिस के लिए सर्जरी करना पड़ा और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि मेरा तो क्रिटिकल स्टेज में हुआ था, और उसके बाद रिकवरी जर्नी तो बहुत टफ हुआ था, और तभी से लेकर अभी तक मैं वो सिलेक्शन का वो लिस्ट और मेरा जो फोटो है इंडियन टीम के कंडीशन में उसका फोटो हमेशा मेरे फोन में रखता हूँ और कभी कभी देखता भी हूँ क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि 18 में गोल्ड कोस्ट में मुझे मिस हो गया था और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार मैं सिल्वर लाया अपने देश के लिए। तो अभी मैं जो है श्रीशंकर से एक और दो सवाल करूंगी, लेकिन शांति से खड़े हैं हमारे ट्रिपल जंपर्स अब्दुल्ला अबू बकर और एल्दोस पॉल। एल्दोस, कितना इम्पोर्टेंट है ये गोल्ड मेडल आपके लिए पर्सनल लेवल पे जाके जिस संघर्षों से निकल कर आप आए, कितना अहम है ये मेडल? ये तो सिर्फ मेरे के लिए नहीं है, पूरा इंडियन एथलीट्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा ऐसा हमारा नीरज चोपड़ा था लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया, लेकिन है हमारा साथ, अभी एक गोल्ड हुआ वो तो मैंने दिया, तो बहुत खुशी हूँ क्योंकि मैं मेरा बेस्ट परफॉर्म सुधरी किया, मैक्सिमम फाइट किया, वो तो इसलिए हमारा देश के लिए एक मेडल विनने के लिए बहुत प्राइड फील होता हूँ। और मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये स्ट्रगल्स के डेज थे वो याद आते हैं कि आप जब मेडल मिल गया है कि किस तरह से आपके फादर, आपकी मदर नहीं थी, उसके बाद आपकी ग्रैंड मदर ने आपको यंग एज से आपको ब्रॉट अप किया है, पाला पोसा है, वो सारे स्ट्रगल्स याद आते हैं या आप खुश हैं कि वो दिन आप पीछे रह चुके हैं?
तो स्ट्रगल तो सबको सबको है, मतलब सब एथलीट को ही स्ट्रगल है, वो तो स्ट्रगल को हम ओवरकम करना है, वो स्ट्रगलिंग टाइम में सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट मेरे के लिए। वो क्या स्ट्रगल्स थे वो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए क्या मुश्किलें थी जिनके उभर कर आप निकल के आए। स्ट्रगल तो हमेशा होता है, मतलब मैनेज करने के लिए फैमिली भी देखना पड़ेगा, फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली कितनी दिक्कतें आई? वो तो नॉर्मली आया, लेकिन वो तो हम मैनेज किया, कुछ भी आएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम सबको होता है, मतलब फाइनेंशियल वगैरह, वो तो हम क्या है एक चैलेंज करके लाइफ में एक्सेप्ट करना है। वो हमारे स्ट्रगलिंग टाइम में ज़्यादा लोग सपोर्ट किया, हमारे फेडरेशन के साइड से ज़्यादा सपोर्ट किया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से, फिर हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई से, सबसे सपोर्ट भी मिला उसके वजह से। ये मेडल अपने भाई को आप डेडिकेट करेंगे जो आपके हमेशा साथ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब अभी ये मेडल सिर्फ मेरे के लिए नहीं है, पूरा भारत के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। अभी जो जो अभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं यंग एथलीट्स को, उसके लिए मोटिवेशन के लिए सबको ही डेडिकेट करता हूँ। अब्दुल्ला आप मुझे बताइए ये मेडल आपके लिए कितना अहम रहेगा, केरला में इतने जो हैं एथलीट्स उभर के आ रहे हैं, आपके लिए ये मेडल कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? केरला का ऐसा क्या हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स जो हैं केरला से रेगुलर इंटरवल्स में निकल कर आ रहे हैं? ये मेडल मिला मेरे को बहुत खुशी है, ये मेरा पहले इंटरनेशनल मेडल है। मैं मैक्सिमम ट्राई किया गोल्ड लेने के लिए, लेकिन मेरा एक टारगेट है 70 मीटर को ऊपर करने के लिए, वो 70.02 किया, लेकिन मेरा पर्सनल बेस्ट नहीं किया, वही मेरा थोड़ा सैड हो गया, पर्सनल बेस्ट नहीं किया, लेकिन मेडल मिला, वो पोडियम मेरा, हम दोनों वो पोडियम मेरा। एक्चुअली प्रवीण को भी चांस था, वो 3 सेंटीमीटर ले फोर्थ हो गया, लेकिन हम बहुत खुशी है अगले ट्रिपल जंपर्स को और जंपर्स टीम और एथलेटिक्स टीम ट्रैक एंड फील्ड, उन लोगों को एक मोटिवेशन है, हम अभी कॉमनवेल्थ में मेडल लेके हम मोटिवेशन है उन लोगों को। आदिल सर आपके जो ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट है बड़े ही ज्यादा जो हैं गंभीर किस्म के एथलीट है, हंसते नहीं है ज्यादा, सेलिब्रेट नहीं करते, तो कुछ प्लानिंग है? सेलिब्रेट बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसे नहीं है, बड़े गंभीरता से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं तो कैसे करेंगे आप, डिफिकल्ट सवाल ना पूछे ये हंसेंगे। तो एल्दोस किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने इस गोल्ड मेडल को? सेलिब्रेट पहले से मैं आपको ज्यादा हंसते में देखती नहीं हूँ। नहीं है, हंस रहे हैं, लेकिन तो सबको बात करके टायर्ड हो गया, सेलिब्रेशन तो हो गया, लेकिन ये तो भारत के लिए गोल्ड जीता वो भी सेलिब्रेशन है, उसका बड़ा सेलिब्रेशन किया है। तो ये भारत के लिए गोल्ड जीता, मैं एक बार फिर अविनाश से बात करूंगी, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे एथलीट है उनके हाथों में ये गोल्ड एंड सिल्वर मेडल है। और अविनाश मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपने जो एक आने वाले जो जनरेशन है उनको मोटिवेट किया है स्टीपल चेज में, इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं, तो उससे कैसा लग रहा है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर आप लोगों को किस तरह से लगा? आज आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, जाने से पहले भी उनसे आपसे बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपने इंटरेक्शन किया था, वो कितना इम्पोर्टेंट रहा था? देखो जाने से पहले भी मतलब बात हुई थी, तब मतलब उनका हमेशा मतलब बहुत ये रहता है जो खिलाड़ियों से बात करना, मतलब जाने से पहले भी और आने के बाद भी, तो मुझे लगता है किसी किसी देश में ऐसे नहीं होता कि जो जाने से पहले भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं और आने के बाद भी मतलब उनका हौसला बढ़ाते हैं, कोई जीत के आता है कोई नहीं जीतता तब भी सभी को बुलाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और देखो इस इवेंट में मतलब मेडल जीतना, मतलब हर कोई समझते थे कि इसमें आसानी नहीं है, क्यों हम एथलेटिक्स में ये कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये क्यों कर रहे हैं, इसमें मेडल आना ही नहीं, इसमें केनियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री मतलब बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारे फेडरेशन ने मुझे पिछले 4 साल से सपोर्ट किया है, 2018 से मुझे मतलब बहुत जितना फैसिलिटी दी है मुझे, पहले मेरे कोच मतलब मेरे लिए निकोलाई कोच ये किए थे, मतलब थोड़ा सा ये हुआ कि उनका ओलंपिक से पहले मतलब ये नहीं मिल पाए। ये जो अचानक से ये जो फेम मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यंग फैंस जो है आ रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, ये कैसे देखते हैं आपको? ये एक नया अनुभव है, नया एक्सपीरियंस है आप सभी के लिए? हाँ यस यस यस, ये हम लोग को अभी ऐसे फैंस आ गए तो बहुत खुशी है, हम पहले ऐसे नहीं था, हम कोई नहीं देख रहे थे ऐसे, पहले एक्सपीरियंस है, इन लोग आके एक सेल्फी पूछेगा, हम खुशी है उन लोग। आपको खुशी हो रही है कि आके फैंस जो हैं बोल रहे हैं एल्दोस पॉल के साथ फोटो खिंचवानी है, एयरपोर्ट पे बिल्कुल जमावड़ा था लोगों का?
मेरे को ये खुशी है, मतलब हमारा स्पोर्ट रिकग्नाइज कर रहे हैं, बाकी गेम्स के अलावा एथलेटिक्स पीपल रिकग्नाइज कर रहे हैं, छोटी अभी यंग एथलीट्स को ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, उसके लिए मैं खुशी हूँ। मतलब हमारा स्पोर्ट इतना वाइड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इसलिए हमारा स्पोर्टिंग और डेवलप हो रहा है, स्पोर्टिंग कल्चर और बढ़ा रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।